नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हीना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। आज भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर बीदर के नेहरू स्टेडियम में मनाया गया गणतंत्र दिवस। बीदर के जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने फहराया झंडा। आज बीदर के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान नूर कॉलेज में मनाया गया गणतंत्र दिवस। वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने लहराया झंडा। आज कर्नाटक के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस। चैनल के सीईओ समीर खान ने लहराया झंडा। स्टाफ मेंबर्स रहे उपस्थित। सियासी हलचल के बीच पटना रवाना हुए बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और बिहार इंचार्ज विनोद तावड़े। नीतीश कुमार को षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, कांग्रेस नेता तारिक अनवर। बिहार में सियासी हलचल, लालू ने मांझी को ऑफर किया डिप्टी सीएम का पद। 16 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करेगी आतिशी। सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव का निधन। बिहार की सियासी हलचल पर सुशील मोदी का बयान, जरूरत पड़ने पर खुलेंगे बंदरवासे। बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, 28 जनवरी को ले सकते हैं शपथ। हैदराबाद गणतंत्र दिवस समारोह में बेहोश हुए तेलंगाना पूर्व डिप्टी सीएम मोहम्मद अली। ज्ञानवापी केस हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर बोले, एएसआई की रिपोर्ट सामने आने पर सब कुछ शीशे की तरफ साफ। गणतंत्र दिवस समारोह में दूर दूर बैठे दिखे नीतीश और तेजस्वी। वॉर मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी, शहीदों को किया नमन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को दी 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। उत्तराखंड ड्राफ्टिंग कमेटी 2 फरवरी को जमा कर सकती है यूसीसी ड्राफ्ट। ज्ञानवापी केस, एएसआई की रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष ने किया खारिज। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अमेरिका ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अयोध्या में रामलला के दर्शन को उमड़ी भीड़। दिल्ली, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। गणतंत्र दिवस सुबह 4 बजे से दिल्ली मेट्रो सेवा हुई शुरू। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।